तो आइस आज की शुरू बात है, आपके पास भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास पिछले 6 महीने से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल गया। रिसेंटली एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, जो है फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ था लास्ट मंथ में, बट अभी एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, बहुत सारे यूज़र को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑफर दे रहा था। साथ ही साथ अभी आपको क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का भी ऑफर देना स्टार्ट हो गया, जिसमें अभी आपको यहाँ पे अपना कार्ड अपग्रेड करने का भी ऑफर दिया गया, जो कि एक कार्ड नहीं आप 5 से 7 कार्ड में अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें किसी का 500 ज्वाइनिंग फीस है, किसी का ज्वाइनिंग फीस 0 है, किसी में आपको 3-3 हज़ार रुपये तक का ज्वाइनिंग फीस में लगने वाला है। एंड बात कर लेते हैं लिमिट की, लिमिट तो आपको सेम मिलने वाला है, बट आप चाहो तो अलग वेरिएंट का कार्ड अप्लाई कर सकते हो अलग अलग बेस के हिसाब से। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपको, अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हो लाइक फ्लिपकार्ट, तो अगर आपके पास ये इंडियन आयल वाला कार्ड है तो आप उसको फ्लिपकार्ट में यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा खासा कैशबैक नहीं मिलता, तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट वाला कार्ड अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप इंडियन आयल यानी फ्यूल भी भराते तो उसके लिए आपका दूसरा कार्ड काम करेगा, और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट वाला कार्ड काम करेगा। इसी तरह करके आपके बहुत सारे कार्ड मिल जाते हैं। तो बात करने लगे कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपको ऑफर मिला है या नहीं मिला है, एंड कौन कौन से कार्ड के ऑफर मिला है, तो कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लेना, पास एक्सिस बैंक का अकाउंट होगा या फिर अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन में इजीली साइन अप कर सकते हो। तो सिंपल से जैसे लॉगिन करोगे उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पे आ जाना है, जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल्स दिख जाता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, कितना लिमिट मिला हुआ है, कितना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, कितना यूजेस हुआ है। सिंपल उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई वाले ऑप्शन पर आ जाना। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर आएंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे देख सकते हो मेरे पे बताया जा रहा है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो देख सकते हो बहुत सारे कार्ड का यहाँ पे लिस्ट मिल गया। तो मैं एक करके आपको यहाँ पे कार्ड का नाम है, इसके वेरिएंट एंड इसके ज्वाइनिंग एनुअल फीस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर देख सकते हो जहाँ पे मुझे बताया जाए एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस एक एनुअल फीस भी 499 है। बात कर लेते हैं क्रेडिट लिमिट की, तो सेम क्रेडिट लिमिट मिलने वाला है मुझे 64,000, जो कि मेरा ओल्ड कार्ड था। साथ ही साथ देख सकते हो माइजोन क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे, मतलब माइजोन कार्ड भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, इसका जो है 500 है एंड इसका ज्वाइनिंग फीस भी 500। एंड उसके बाद सेकंड में बात करूँ माइजोन की बात, तो यहाँ पे प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जो कि इसका 1500 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, 1500 रुपये एनुअल फीस है। एंड देख सकते हैं और भी ऑप्शन दिया जा रहा है सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, यानी एक्सिस बैंक का जो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है इसका 3000 रुपये ज्वाइनिंग फीस आता है, यहाँ पे 3000 एनुअल फीस भी आता है। तो अल्ट्रास क्रेडिट कार्ड जिसका ज्वाइनिंग फीस ही 5000 है, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है मुझे ऑफर में, क्रेडिट कार्ड जिसका यहाँ पे 250 रुपये ज्वाइनिंग फीस है एंड 250 रुपये एनुअल फीस होने वाला है, एंड लिमिट भी सेम ही है। एंड बात करें एक्सिस बैंक रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि रिवार्ड के लिए फेवरेट है, तो ये भी मुझे ऑफर में दिया गया है एक्सिस बैंक रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, जिसका देख सकते हो ज्वाइनिंग फीस की मैं बात करूँ तो 1000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, एंड साथ ही साथ इसका 1000 ही यहाँ पे एनुअल फीस है। एंड बात करते हैं फर्स्ट नंबर मुझे खुद एक्सिस यहाँ पे एवरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आप ले सकते हो इसके लिए हेल्थी के लिए प्लस एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो लाइक मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे अच्छे खासे कैसे मिलते हैं। ज्वाइनिंग फीस 749 रुपये प्लस इसका एनुअल फीस भी 749 रुपये लगने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसको कार्ड को अप्लाई करते हो, अगर 31 जुलाई से पहले आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो, अगर 31 जुलाई से पहले ये कार्ड अगर कहीं भी आप स्वाइप करते हो तो इसमें आपको 750 का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाएगा आपका जो आपका ज्वाइनिंग फीस लगा हुआ तो वो बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा, यानी रिटर्न आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेंड के बेस पे ये लोग क्या करते हैं, ऑफर देते रहते हैं। तो पहले चीज़ देखो, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई एक साथ इतना कार्ड कैसे ऑफर, ऑलमोस्ट 8 से 9 कार्ड का ऑफर आया था। तो देखो जिस कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्ड करेंटली मैं 6 महीने से ज़्यादा पुराना कार्ड है। इसमें क्या हुआ, लास्ट स्टार्टिंग में मैंने 3 महीने बहुत मतलब बोले तो 100% दबा के यूज़ किया था, एंड उसके बाद इसका सिर्फ मैं हर महीने जब 10 रुपये का ही रिचार्ज करता था। उसके बाद बैंक क्या करती है भाई, इससे उनको लग रहा है कि मैं यूज़ ही नहीं करता तो इसको दूसरे वेरिएंट का कार्ड दो, क्योंकि उनको लगा कि स्टार्टिंग में इनको कार्ड दिए तो ये मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं था, क्रेडिट कार्ड लेने के बाद यूज़ किए, अब इनको किसी काम का नहीं आ रहा, तो ये मुझे अलग अलग वेरिएंट के कार्ड के ऑफर देने लगे कि भाई आप इसके वेरिएंट का कार्ड ले लो, इसका कार्ड ले लो। एक्चुअली देखो ऐसा वर्क होता है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि HDFC बैंक का मेरा कार्ड क्या लगभग 1.5 या 2 साल से यूज कर रहा था, तो उसमें ऑफर लिमिट इनक्रीज करने का दिया ही नहीं। तो जैसे ही मैंने उसको 3 महीने नहीं यूज़ किया तो उसके बाद मुझे ऑफर देने लगा कि भाई 75,000 से 90,000 कर लो, उसके बाद वहाँ पे 56,000 क्रेडिट कार्ड पे लोन देने लगा। तो देखो यही रीज़न होता है, अगर आप यूज़ ज़्यादा करते हो तो लोग क्या करते हैं कि आपको कम ऑफर देते हैं, अगर आप कम यूज़ करके छोड़ देते हो ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर मिलते हैं। अगर आपको भी कुछ इस तरह का अगर ऑफर चाहिए या फिर अगर ऑफर नहीं आ रहा है तो आप अपने जो कार्ड का यूटिलाइजेशन 2 या 3 महीने एकदम मिनिमल कर दो, या फिर करो ही मत। उसके बाद देखो बैंक क्या करिए आपको, उसके बाद क्या करिए आपको ऑफर के साथ साथ यहाँ पे कार्ड अपग्रेड करने का भी अपडेट दिया गया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।